आज नवरात्र का अंतिम दिन है और आखिरी दिन में ज़्यादातर घरों से लोग निकलते हैं मेला घूमने के लिए। और आज ये डेहरी है, डेहरी ऑन सोन रोहतास ज़िले का, जो बिहार में रोहतास ज़िला है उसका डेहरी ऑन सोन है ये। तो चलिए हम आपको डेहरी के सारे पंडालों का दृश्य दिखाएंगे। ये है वो जगह जहाँ पर मेला लगा हुआ है डेहरी में, स्टेशन रोड पर, स्टेशन के पास ही है, नज़दीक में ही है। अभी दिन का समय है इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हुआ। सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाया गया और मेले घूमने भी आए लोग, अच्छी तरह से मेला भी घूमे। लेकिन यहाँ पर ये जो मेले के पास ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेला लगा है, ये लोगों की हुजूम, ये रात का समय है, लोगों का हुजूम टूट पड़ा और उसमें से कुछ असामाजिक तत्व थे जो एंट्री फीस का टिकट लिए बगैर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और बहुत सारे लोग घुसे भी। वहाँ पर प्रशासन नहीं थी इसलिए कुछ नहीं कर सके, वो लोग घुस गए अंदर और इस तरह से मेले में गड़बड़ी हो गई। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, कुछ दंगा नहीं हुआ। और जितने भी जगहों पर दुर्गा पूजा मनाया गया, पंडाल बनाया गया, बहुत ही शांतिपूर्वक वहाँ पर सब कुछ संपन्न हुआ कार्यक्रम। मेले का ज़्यादातर जो आनंद लेते हैं वो बच्चे लेते हैं और बच्चों के बहाने उनको घुमाने के लिए उनके पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं तो भी एंजॉय करते हैं। मेला घूमने का एंजॉय कुछ और ही है। अगर खुशी मन से मेला घूमा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचते हुए अगर घूमा जाए कि अरे यार बहुत पैसे खर्च होते हैं, पैसा बहुत लगता है, तो फिर मेला वो आपको काटने को दौड़ेगा। बस साल में एक दो बार आता है, इस तरह के मौके आते हैं तो बच्चों को घुमाना चाहिए, ज़रूरी होता है ये सब घूमना फिरना। और जितना भी त्यौहार है ये सब यही तो एक बहाना है, त्यौहार तो एक सिर्फ बहाना होता है ताकि इसी बहाने लोग अपने घरों से निकले, एकजुट होकर कुछ इन्जॉय करें, सेलिब्रेशन करें, ये इस बहाने की वजह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेला लगा है, ये लोगों की हुजूम जो है ये काफ़ी, इतनी भीड़ ज़्यादा थी कि जो एंट्री गेट थी वहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जो राइट साइड में है एंट्री गेट पे, ये लोगों की भीड़ है या सामाजिक तत्व के लोग हैं, इन्होंने ताक लगा के बैठा हुआ था कि जैसे गेट खुलेगा हम सब एक साथ हो हल्ला बोल देंगे। और ऐसा ही हुआ और वो अंदर घुस गए बिना टिकट लिए हुए। एंट्री फीस 20 रुपीज़ लगती है मेले में। ये डालमिया नगर का आप देख सकते हैं, ये डालमिया नगर का है, ये रतु बिघा का। सभी जगह पर बहुत शांतिपूर्वक ही संपन्न हुआ दुर्गा पूजा और आज नवरात्रि का लास्ट है और कल होगा दशहरा। दशहरा में रावण दहन होता है डालमिया नगर के मैदान में, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगती है। और सबसे ज़्यादा, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर लगती है जहाँ रावण दहन होता है कल के दिन। ये अभी कोड़ी गोला का है, काली मंदिर के पास, काली मंदिर आर कोठा रोड पर है, जो वो वहाँ का है दृश्य। और वहाँ पर मंदिर के सामने में कुछ लोग मास्क लगाकर, कोई काली माई बनता है, कोई दुर्गा माई बनता है, कोई शंकर बनता है, वहाँ पर इस तरह के तमाशा दिखाए जाते हैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए। और काफ़ी लोग जाते भी हैं वहाँ देखने के लिए, अच्छा लगता है उनको। तो ये काली मंदिर है और ये देख सकते हैं किस तरह से प्रतिमा, मतलब मूर्ति ही दुर्गा जी के रूप में खड़ी है लड़की। इस तरह से अलग अलग रूपों में लोग बनकर गेटअप में तैयार रहते हैं और लोग काफ़ी आनंद लेते हैं इसको देखकर, मज़ा भी आता है। और ये है अपना अकोड़ी वाला का ही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी इस तरफ लड़कियाँ सब बनी हुई है। ये पंपिंग कोर्ट है जहाँ पर बच्चे पंप करते हैं और काफ़ी आनंद लेते हैं।
बच्चों को चलना कूदना काफ़ी अच्छा लगता है और मज़ा आता है उस पर। तो जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है तो लोगों के अंदर, खासकर बच्चों के अंदर, काफ़ी एक उत्सुकता होती है घूमने फिरने की और त्यौहार सेलिब्रेट करने की, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक बहाना होता है, मतलब त्यौहार एक बहाना है सेलिब्रेशन का साथ मिलकर। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से बच्चे आनंद ले रहे हैं पंपिंग कॉर्ड का, और ये वही मेला वाली जगह है जहाँ पर देख सकते हैं निकल रहे हैं लोग निकलने का, और वो अंदर आने का द्वार बंद कर दिया गया है। काफ़ी भीड़ लगी थी रात में मेले में, और फिर भी लोग शांतिपूर्वक आनंद लिए। थोड़ी सी दिक्कत हुई जब लोग ज़बरदस्ती घुस रहे थे बिना एंट्री फीस की टिकट लिए हुए, लेकिन सब संभल गया फिर बाद में। तो इस तरह से संपन्न हुआ दुर्गा पूजा।